यार, इससे पहले हम डेट करें, मैंने तुम्हारी बाइक तो देख ली, अब ये बताओ तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है? गाड़ी? गाड़ी तो नहीं है यार मेरे पास तो बस यही है। What? तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है? यार मुझे तो इतना शौक है लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, अब हम कैसे जाएंगे इस पे? यार तुम ना रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे सुनो, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? यार बस मत पूछो, वैसे तुम इस गाड़ी पे क्यों खड़े हो? अरे मेरी गाड़ी है, चलो मैं तुम्हें ड्राइव पे लेके चलता हूँ। हैं? तुम ऐसा क्या करते हो जो तुम्हारे पास ये गाड़ी है? सट्टा खेलता हूँ, बताना मत किसी को। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी तो है ना, वो भी इतनी अच्छी। हाँ चलो यार चलते हैं। नमस्ते भैया, हमें आपसे मदद चाहिए थी। हाँ जी मैम, बताइए आपको क्या मदद चाहिए? सर वो हमें ना एक गाड़ी चाहिए थी। हाँ जी हाँ जी, बताओ आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? मेरे पास लाखों की करोड़ों की गाड़ियाँ हैं। करोड़ों तो बहुत दूर की बात है, हमारे तो लाखों का भी बजट नहीं है। तो फिर? भैया यार मैं सट्टे में बहुत ज्यादा पैसे हार गया हूँ, कोई कंपनी लोन भी नहीं दे रही है, मेरे को कोई छोटी मोटी गाड़ी चाहिए ताकि मैं टैक्सी में चला पाऊँ। सर वैसे तो हम फ्यूजन कार्स पर टैक्सी वगैरह नहीं बेचते, हम सिर्फ स्पोर्ट्स कार्स एंड प्रीमियम सेगमेंट्स में ही काम करते हैं। बाकी फिर भी अपना सिविल मुझे बता दो, कुछ हो पाएगा तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा। भैया सिविल तो मेरा 300 है, इसलिए मेरे को कोई भी बैंक लोन नहीं दे रहा। 300 सिविल में लोन? भैया ऐसे में तो भगवान ही आपकी सेवा कर पाएगा। भैया देख लीजिए, कुछ हो सकता है तो हम अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं, प्लीज। भैया मैंने सुना था आपके ओनर बड़े दिलदार आदमी है, एक बार प्लीज उनसे मुलाकात करा दीजिए। चलो ठीक है, आप बाहर वेट करो, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। यार सर प्लीज आप देख लीजिए, कुछ तो हो ही सकता है। लो हमारे सर भी आ गए। तुम क्या चाहिए इनको? सर इनको टैक्सी चाहिए, इनका बजट भी नहीं है और इनका सिविल भी 300 है, क्या करें? चलो ठीक है मैं देखता हूँ। यार सुनना एक मिनट, रुको तो सही। यार मयंक कैसे हो तुम? तुम्हारे करंट पति से तो बढ़िया ही हूँ। यार मयंक आई एम रियली सॉरी, यार मैंने तुम्हें पैसों के लिए छोड़ा था और आज देखो मैं खुद ही पैसों के लिए इतनी परेशान हूँ। यार तुम रो मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। यार मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया, तुम उसके बाद भी मेरे से इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हो। यार मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज ये जितना भी बड़ा शोरूम है, जितने भी पैसे हैं, वो सब तुम्हारी वजह से है। यार मेरी वजह से कैसे, मैं तो खुद घर नहीं चल पा रहा। तो यार जैसे ही तुम मुझे छोड़ के गई तो मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि ये क्यों हुआ, और इसका रीजन था पैसा। तुमने मेरी अच्छाई नहीं देखी, तुमने मेरा दिल नहीं देखा, तुमने देखा सिर्फ पैसा। उसी दिन सोच लिया था इतना पैसा कमाऊंगा कि लोग गिनते गिनते थक जाएंगे। मयंक आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी फॉर यू, आई एम सो ग्लैड कि तुम आज इतने सक्सेसफुल हो, और अगर तुम इसका क्रेडिट मुझे देते हो देन आई एम द हैप्पीएस्ट गर्ल इन दिस वर्ल्ड। बट मुझे एक बात का गिल्ट हमेशा रहेगा कि मैंने इतने अच्छे लड़के को छोड़ा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए।